अभी हम आए हुए हैं मैनपुरी उत्तर प्रदेश में, और जैसा स्ट्रीट फूड हम आपको आज दिखाने वाले हैं ऐसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, कहीं नहीं देखा होगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना गाइस, मजा आ जाएगा आपको देखकर। भैया क्या बनाते हो आप? आलू घूमते हो किस चीज में? इसमें ये क्या है? बालू रेत नदी वाला। और ये भट्टी लगा रखी है, तो इस भट्टी में आलू भुने जाते हैं। तो भैया लगाइए जरा आलू। तो ये आलू देखिए अब डाले गए हैं इस भट्टी के अंदर, और दोनों तरफ से आप देखिए आग की लपटें निकलती हुई आपको दिखेंगी। और ये देखो भाई, ये ऐसा स्ट्रीट फूड आपने पूरे इंडिया में कहीं नहीं देखा होगा। रेत के अंदर देखो ये आलू भुने जा रहे हैं। भाई कितने रुपए प्राइस है इसका? क्या प्राइस है इसका? 25 का 250 ग्राम। तो आपने हर तरह के स्ट्रीट फूड देखे होंगे इंडिया में, हर गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में डिफरेंट तरह के मिलते हैं, लेकिन जैसा आलू आपको यहाँ मिल रहा है ये स्ट्रीट फूड बना रहे हैं, बालू में भून रहे हैं आलू को, ऐसा यहाँ के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा। भाई कितने साल से लगा रहे हो आप ये स्टॉल? 7 साल हो गए हैं। किस चीज के साथ खाते हैं इसे? चटनी और मसाला। मक्खन, चटनी मसाला और मक्खन। तो भाई दिखाओ एक बार चटनी मसाला और मक्खन भी। ये किस चीज की चटनी है भाई? ये हरे धनिया टमाटर और ये लहसुन अदरक। हरा धनिया टमाटर लहसुन अदरक की, और मसाला भी रखा हुआ है। ये कौन सा मसाला है? ये मसाला है हमारा, ये मसाले डले हमारे परपो बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं। अच्छा मसाला है, जैसे ये अपने अजवाइन हो गया, जीरा हो गया, मिर्च हो गई, धनिया हो गया, जावित्री हो गई, गर्म मसाले जैसे भी घर पे क्वांटिटी बनाते हैं उस तरीके से। ये देखिए गाइस 20 मिनट हो चुकी है रेत से पकते हुए आलू को, और अभी भी रेत देखो खोल रहा है इसके अंदर। तो ये तैयार होने ही वाले हैं 2-4 मिनट के अंदर, तो मैं तो बहुत बेसब्री से वेट कर रहा हूँ इनके तैयार होने का। फिर ना खा के आपको टेस्ट बताते हैं टेस्ट कैसा है इनका। तो ये देखिए गाइस आलू का रंग अब बिल्कुल बदल चुका है, भुन चुके हैं बढ़िया तरीके से, आप देखिए काले हो गए हैं। और ये देखिए रेत भी अभी तक उबल रहा है रेत इसमें। तो भाई कितने 20 मिनट तो हो गई होंगी ना, अब और कितनी देर होगा? 1-2 मिनट और लगेगा। देखिए अब तो दिखने से ही पता चल रहा है कि आलू बहुत बढ़िया तरीके से भुन चुके हैं, और टोटली ये रेत में भुने गए हैं। और रेत के नीचे आप आग को देख सकते हैं, 20 मिनट से इतनी तेज आग चल रही है, अभी तो खैर हल्की हो गई आग, यहाँ से बाहर निकल रही थी थोड़ी देर पहले तो। और ये भाई देखो तब से इतनी मेहनत करने में लगे हुए हैं, 20 मिनट से हाथ ऐसे ही चल रहे हैं भाई के, तो इतनी मेहनत है इस आलू को बनाने में। तो अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हो पहले इस वीडियो को शेयर कर दो, लाइक करो और कमेंट करो इस पर, आप बताओ कि आपने कहीं पे ऐसे आलू कभी खाए हैं। तो देखिए अभी तैयार हो गए हैं पूरी तरीके से, अभी इन्हें बाहर निकाला जाएगा। और ये देखिए आप बिल्कुल खोलते हुए रेत में तो भैया ऐसे ही निकाल रहे हैं भाई, हाथों में लग नहीं रहा क्या आपके रेत? ये आदत पड़ चुकी है। तो ये देखो इतना खोलता होते हम, इतना खोलता हुआ ये रेत है, मैं इतना दूर खड़ा हूँ इससे, अल्ट्रा वाइड पे इसको शूट कर रहा हूँ, और भाई के ऐसे इसी में रेत में हाथ डाल के आलू निकाल रहे हैं, जहाँ से साइड में खड़ा नहीं हुआ जा रहा वहाँ से ऐसे ही निकाल रहे हैं। ये देखिए गाइस ये भट्टी की आंच भी देख लो, लग नीचे लगा। हाँ भट्टी की आंच के ऊपर से ही तो है। ये देखिए गाइस ये हमारे आलू पूरी तरीके से बढ़िया तरीके से भून के आ चुके हैं। और आप भैया क्या कर रहे हो इनका? ये आप और अभी ने देखिए साफ किया जा रहा है, साफ मतलब छिलका उतारा जा रहा है इनका। तो ये देखिए छिलका उतारा जा रहा है, ऊपर भाई से टोकरे के अंदर ऐसे कर रहे हैं और नीचे से ये देखिए छिलका आते हुए। तो छिलका उतारने का भी कितना बढ़िया सिस्टम है, यानी कि आपको अपने हाथ जलाने हैं, टोकरे में भाई ने आलू हिलाए और इतनी बढ़िया तरीके से भुन चुके हैं कि नीचे अपने आप सारा छिलका आता जा रहा है। भाई मजा आ गया देख के ये चीज। अगर कोई भाई आना चाहे आप उसे एड्रेस और समझाओ एक बार, कहाँ आए वो? गोला बाजार, मैनपुरी गोला बाजार में। तो ये देखिए हमारे आलू अब पूरी तरीके से छिलका उतर चुका है इनका, अभी ना यहाँ रखा जाएगा भाई जो पके हुए हैं ऑलरेडी। तो ये देखिए गाइस ये आलू हो गए तैयार। तो भाई एक प्लेट लगा दीजिए आप जरा आलू, अब गर्मा गर्म जो आलू हैं अगले लोट से जो निकले हैं वो हमने ले लिए, बिल्कुल गर्मा गर्म खाएंगे इन्हें। 200 ग्राम ले लिए भाई, प्राइस क्या है 200 ग्राम का ये और बताओ? 20 रुपये। तो ये आ गए हमारा आलू, साथ में क्या दोगे? ये आ गई हमारी चटनी, ये बटर, और ये इनका स्पेशल मसाला, साथ में बटर भी है, बटर दिखाना भाई, साथ में है अमूल बटर। पहले बटर खोल लेते हैं हम ना, बटर भी अमूल का मक्खन मिला है साथ में, अमूल बटर। अब टेस्ट करके देखते हैं टेस्ट कैसा है इसमें, इतना बढ़िया था। देखो स्किन उतर चुकी है अनटच्ड, हाथ लगा के नहीं, जो टोकरा होता है टोकरा से छिल छिल के उतरी है। अब इसे देखते हैं खोलकर, काफी गर्म हो रखा है। अब इस पर हल्का सा लगाते हैं इनका जो मसाला है, मोटा पीसा हुआ मसाला है, कई सारी चीजें डाली हुई इन्होंने, 13-14 चीजें इसमें। इस पर लगाते हैं हल्का सा अमूल बटर और थोड़ी चटनी। तो ये आ गया हमारा मैनपुरी का स्पेशल आलू। बहुत ही गर्म और बेहद स्वाद,
मतलब रेत में भुना हुआ आलू बिल्कुल, जो बहुत स्पाइसी मसाला, बहुत स्पाइसी चटनी और साथ में अमूल बटर के स्वाद के साथ जो एक आलू का कॉम्बिनेशन तैयार हुआ है ना, मैं ये बता रहा हूँ, आप मैनपुरी आ जाओ एक बार टेस्ट कर लो, आपको ये टेस्ट यहाँ के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। और आ ही जाओ, अगर आपको स्ट्रीट फूड पसंद है ना तो वेट मत करो, मैनपुरी आ जाओ होली से पहले ही, क्योंकि ये चीज़ आपको यहाँ होली से पहले ही मिलेगी। होली पर हो जाएगी बंद, होली के बाद मिलेगी दिवाली के बाद, और इसका मज़ा ज़रूर लेके जाओ। पैक कर दी भाई। तो गाइस आलू इतने बढ़िया लगे, खाए हमने 500 ग्राम खा लिए हैं और पैक करा लिया है, पैक करा के दिल्ली ले जा रहे हैं। दिल्ली से स्पेशली हम मैनपुरी आए थे ये आलू खाने। दिल्ली में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला, मैं दिल्ली से आ गया है आलू खाने के लिए। आप भी अगर आसपास कहीं रहते हो, दिल्ली में रहते हो, बढ़िया चीज़ खाना चाहते हो ना, असली स्ट्रीट फूड, तुरंत फटाफट मैनपुरी आ जाओ। और ये जो आलू है ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ डिसअपॉइंट नहीं करेंगे आपको। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, दिल्ली में या किसी और शहर में। फॉलो कर लो मुझे, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा पूरे इंडिया का सबसे अच्छे वेजिटेरियन फूड। एंड नो मैटर वेयर यू आर, आई विल फाइंड यू एंड आई विल मेक यू हंग्री। बाय बाय।